विदेशी धरती से राहुल गांधी अक्सर ऐसे बयान देते आए हैं जिन पर बीजेपी भी लगातार पलटवार करती है। कभी भारत के लोकतंत्र को अपमानित करने का बयान, तो कभी देश में नफरत के माहौल होने का बयान देने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर गृह मंत्री अमित शाह ने जमकर तंज कसा है। जाहिर है, विदेशी जमीन से राहुल गांधी के विवादित बयानों पर अब शह और मात का खेल शुरू हो गया है। इंडियन डेमोक्रेसी इज अंडर प्रेशर। Indian democracy is under pressure, is under attack. Fight the democratic fight in our country. Instruments that normally support a healthy democracy. कांग्रेस नेता राहुल गांधी जब भी विदेशी दौरे पर होते हैं, विदेशी धरती से दिए गए उनके बयान विवादों में आ जाते हैं। कभी देश विरोधी बयान, तो कभी भारत के लोकतंत्र पर सवाल करते हैं। अब उनके इन सभी बयानों पर एक साथ एक ही वार करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कटाक्ष किया है। उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार को भी याद दिलाते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा। हमने राहुल बाबा विदेश में वेकेशन करवा गया, गर्मी वधार छे એટલે विदेश गया छे, અને विदेश में जई भारत की निंदा करवानुं काम करे छे। साथ ही गृहमंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी को नसीहत दी है और याद दिलाया कि देश के भीतर अयोध्या में भव्य राम मंदिर की तारीख भी राहुल गांधी पूछा करते थे, जिसका जवाब ये है। राहुल बाबा जो श्रद्धा होए तो टिकट तैयार रख दो, 2024 में भव्य राम मंदिर बनीने तैयार। आपको बता दें कि राहुल गांधी जब भी विदेशी धरती पर पहुंचे, उन्होंने ऐसे बयान दिए जिसके बाद बीजेपी और केंद्र सरकार ने उनके बयानों पर पलटवार किया। इस बार केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी 1984 के दंगों की याद दिलाते हुए राहुल गांधी से सवाल पूछ डाले। भाई साहब बाहर जाते हैं तो सडनली उनको हमारी माइनॉरिटीज की स्थिति याद आ जाती है। भाई साहब 14 साल कैसे और 1984 में 3000 हमारे सिख भाइयों की के साथ उनकी हत्या हो गई। तो एक क्रेडिबिलिटी की जो बात है, मैं बताता हूं, बहुत जरूरी इसलिए है कि आप स्टेटमेंट दे देते हो और फिर जैसे रफाल पे दे दिया, कुछ इधर उधर दे दिया, फिर झूठ पकड़ा जाता है, फिर आप माफी मांगने पहुंच जाते हो। हालांकि कांग्रेस को यह बात चुभ गई और एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार कर दिया। इस देश की सबसे डेकोरेटेड एथलीट्स घसीटी जाती हैं सड़कों पर उनकी निरंकुश पुलिस से और वो चुप रहते हैं, क्या बात करते हैं आप लोग। गृह मंत्री अमित शाह गुजरात पर्यटन पर गए या मणिपुर पर्यटन पर गए थे? आपको बता दें कि अक्सर राहुल गांधी विदेशी दौरे पर जाकर देश के भीतर की बातें इस तरह से रखते हैं कि उससे विवाद पैदा हो जाता है। हाल ही में उन्होंने अपने अमेरिकी दौरे के वक्त देश में लोकतंत्र को खतरे में बताया था, जिसका जवाब खुद व्हाइट हाउस ने दे दिया था और साफ कर दिया था कि लोकतंत्र अगर देखना है तो दिल्ली जाओ। India is a vibrant democracy. Anybody that happens to go to New Delhi can see that for themselves. यही नहीं, राहुल गांधी को लेकर विदेश मंत्री भी हमला बोल चुके हैं। You know, even a democratic culture has a certain collective responsibility. There is a national interest, there is a collective image. There are sometimes things bigger than politics. जाहिर है, विदेश में देश के अपमान के सवाल पर जैसे जैसे राहुल गांधी शह दे रहे हैं, वैसे वैसे बीजेपी शह और मात की इस लड़ाई में जवाब दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।